हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बेशुमार अख्तर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडर्न वॉर प्लेन्स, एक हाई टेक्निक फुल्ली अपग्रेडेड गेम्स के बारे में। तो इस गेम में क्या क्या खासियत है, इसे कैसे खेलना है, ये गेम क्या है। तो सबसे अच्छी बात इस गेम की मुझे ये लगी कि ये जो गेम है ये बिना इंटरनेट के भी चलता है। क्या बात। अब ये गेम की स्पेशलिटीज जानेंगे। सबसे पहले गेम क्या था, क्यों ये बनाया गया, वो मैं आपको मेरे हिसाब से थोड़ी इसकी बताता हूँ। जो मैंने रिसर्च की, मैं कोई भी चीज़ रिसर्च के बगैर नहीं बनाता। तो बहुत सारे ऐसे एयर कॉम्बैट के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे गेम्स हैं, पर ये गेम ही मुझे क्यों पसंद आया, मैं क्यों इसका शॉर्ट ऑफ रिव्यू कर रहा हूँ, पूरा रिव्यू नहीं है, पर क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या ये गेम आपके जो अभी टाइम चल रहा है या फ्री हो तो आपको ये एंटरटेन कर सकता है क्या, नहीं मुझे तो कर रहा है। क्योंकि वेन एवर यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ये गेम चालू करके बहुत सारे सामने प्लेन्स है उसको उड़ाओ, फ्रस्ट्रेशन फील करने का सबसे बेस्ट गेम है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम स्टार्ट करते हैं गेम, तो एंगेज करना होता है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चार टूर्नामेंट है, ऑनलाइन सर्वाइवल, ऑनलाइन पीडीएम, योर गेम। सर्वाइवल जो है वो ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन और ऑनलाइन पीडीएम और योर गेम, इसमें आपको नेट की जरूरत है। इसमें आप अपने फ्रेंड्स भी बना सकते हो, जिस तरह से आप देख सकते हो, इनवाइट करना है और फ्रेंड्स बना सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होगी जैसे मुझे आई हुई है, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पहले उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैंने कर लिया है। टोटल 30 फ्रेंड्स हम बना सकते हैं। और अचीवमेंट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, स्टेट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेवल ये रहा यहाँ पर, और ये मेरा नाम है मिस्टर रेडियो अपडेट। ये मेरे सिल्वर कॉइन्स हैं और ये मेरे गोल्ड कॉइन्स हैं। ये ऐसा गेम है जिसमें आप इक्विपमेंट खरीदते नहीं हैं, तो भी आप खेल सकते हैं। सेटिंग से स्टार्ट करते हैं, साउंड्स कम ज़्यादा करना हो तो यू कैन सी। मैं जनरली साउंड 20-20 पे रखता हूँ। ग्राफिक्स क्वालिटी जो है, ग्राफिक्स आप फास्ट रख सकते हो तो आपका कोई भी फ़ोन है ईजिली लोड ले लेगा। मीडियम रखोगे तो मज़ा आएगा, और हाई रखोगे तो लेजेंडरी वाला फील आएगा, रियल एयरप्लेन फील होगा। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है, तो इंग्लिश ही आपको लेना पड़ेगा। और कंट्रोल स्कीम यहाँ पर है। ओके, सेटिंग्स में फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया फ्रेंड्स में क्या है। अगर किसी को फ्रेंड करना है, उसे ऐड टू फ्रेंड्स में जाके उसकी आईडी ढूंढनी होगी। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये ही आईडी, ये मेरी आईडी है। अगर आपको ढूंढना है तो यही आईडी यहाँ पर आप डालोगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा, मिस्टर रेडियो एक्टिव। ओके, ये भी मिशंस मेरे सारे पूरे हो चुके हैं। बोनस, रोज़ बोनस मिलता है। पहले दिन मुझे 1000 सिल्वर्स मिले हैं, डे टू, डे थ्री, डे सिक्स, इस तरह से रोज़ आपको कोई ना कोई बोनस मिलेगा। लीग्स बाय डिफ़ॉल्ट चलती है। लीग्स में कैसे क्या हो रहा है यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये दिख रही है खूबसूरत मोहतरमा, ये कार्टून कैरेक्टर है तो उस हिसाब से देखना। वेलकम टू द स्क्वाडन लीग्स, अर्न ट्रॉफीज एंड बैटल फाइट। एंड इसके बाद आप देखिए उन्होंने कैरेक्टर जो बना के रखे हैं, यू कैन सी एवरी 48 आवर्स ये जो खूबसूरत मोहतरमा ये चूज़ करती हैं कि कौन होगा विनर। ओके, इसने मुझे एक बार विनर भी बनाया वैसे, बाय द वे, द डिवीजन टॉप लीग एंड टॉप 50। चलो ये सारी सेटिंग्स की बात हो गई, गेम्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लीग हो गए, उसके बाद बूस्टर्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ये आप खुद जाके थोड़ा अपने हिसाब से चेकआउट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सप्लाई स्टोर्स, इक्विपमेंट मेरे पास ये सारे हैं। ओके, और बार बार बाय का ऑप्शन नहीं आता, और जब आप एक गेम खेलते हो और एक बार आपका टूर्नामेंट पूरा होता है तब आपको कुछ हार्डली 30-40 सेकेंड्स की एड आती है, विच इज़ वेरी इजी। तो आप एयरप्लेन चूज़ करते हो, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा F-16, इसकी डिटेल्स यहाँ पर हैं। डिटेल्स आपको चेक करने के लिए ये यहाँ पे क्लिक करना है, डिटेल्स पे F-16 क्या है, कहाँ का प्लेन है, कौन बनाया है, एवरीथिंग। मैंने F-16 के बाद हैरियर ओपन किया था, फिर डायरेक्ट मैंने F-18 ओपन किया था। ओके, और अभी मेरे पास है द हाईली इक्विप्ड, और इसके डिटेल्स देखें तो ये है, हाईली इक्विप्ड है ये, इसके आर्मर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है। ये है RAF X31। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ डेमो, तो इसमें क्या क्या है, ये हैवी वेपन, यहाँ से आप कोई भी अच्छा ठीक लगता है वो ले सकते हैं, पर कुछ भी आप डिटेल्स में जाके देखोगे तो पता चलेगा इक्विप इस तरह से किया जाता है। अपग्रेड गोल्ड से भी होगा, सिल्वर से भी होगा। जैसे मैं अगर इसे सेलेक्ट करूँ तो इसे पहले इक्विप करना होगा, फिर मैं उसे अपग्रेड कर सकता हूँ, पर मेरा ये है जो हाईली इक्विप्ड है। ओके, अब उसके बाद कैनन और केमियो, आपको चाहिए तो केमियो फ्लैग आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो।
और ये फ्लेयर जो आपके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में, आप पे आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा खेल के ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे खेलता हूँ। ओके हियर वी गो, एंगेज करते हैं, सिंगल गेम में जाते हैं, ऑनलाइन टीडीएम सर्वाइवल आपको दिखाता हूँ क्योंकि नेट कभी भी जा सकता हूँ। तो हियर वी गो, मैं आपको ज़्यादा नहीं देर से देर में खेल के दिखाऊंगा, पर बहुत अच्छा फ्रस्ट्रेशन किलिंग गेम है। आपको ऐसा रियल फील होगा कि आप बैटलशिप ग्राउंड पे हैं। देखो आपको दिख रहा है कैसा उसका टारगेट गया, उसकी दूर हो आप 500 मीटर दूर हो तो भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये एनिमी है F-18 लेके उठ रहा है, इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है। ये मुझसे भी 600 मीटर दूर है और टारगेट डिस्ट्रॉय, इतनी दूर से मैंने उसका टारगेट लिया है। और ये हम लोग अभी आसमान की रोशन से फाइट कर रहे हैं। अभी सामने जो एनिमी है वो 1 किलोमीटर इतना दूर है और डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब एक शिप है, ये देखो। अब देखो मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ, स्काई दिखाता हूँ, कितना ऊपर जाना चाहिए जा सकते हैं। ये मैं अपनी शिप की, जो मेरी स्काई शिप यहाँ पे खड़ी है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे खड़े करो मेरी शिप, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये फ्लैग मारा और ये मेरी शिप हवा में है और नीचे सारे जो है वो इनमें। इसमें ये भी दिखाता है ऑल्टीट्यूड गेन करना है क्या नहीं। ये मिसाइल जा रही है मेरे पीछे, जो मैंने फ्लैग से उसको ड्रॉप किया। ये मेरी शिप है, आपको दिख रही है, इसे मुझे बचाना है। ठीक है, गेम को एग्जिट करते हैं। यह वीगो मिशन कंप्लीट, रिटर्निंग टू हैंगर। आपने देखा तो शिप पे मैं वापस आ गया हूँ। तो जिस हर बंदों को एयरफोर्स बहुत पसंद है, तो बस ऐसे एक एड आती है जिसको मैं क्लोज कर दूंगा, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे मेरे को अभी मिलेगा मुझे अवार्ड्स XP X और ये सिल्वर पॉइंट्स। गोल्ड आपको एवरी डे मिल सकते हैं या कोई टूर्नामेंट जीतने पर। सो दिस इज़ इट गाइज, ये है मॉडर्न वॉरप्लेन का वॉक थ्रू। इसे कैसे करना है, इसके रैंक क्या है, एवरीथिंग मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो होप आपको पसंद आया होगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी यार, और थोड़ा लाइक करो, शेयर करो। अभी नया नया हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा हेल्प करो। थैंक यू सो मच।